आज हम लोग ये जो है फिर से एक जूम चार्जर है ये, तो इसमें ये प्रॉब्लम है या इसका सर्किट जो है निकाल दिए हैं, ये यहाँ पे इसका सर्किट निकाल दिए हैं, इसलिए कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। इसमें ये दिक्कत है कि अभी आपको चेक करवा दे रहे हैं, ये चार्जर है एक जूम का, तो आप पहचानते ही होंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका मेन एलईडी और चार्जर एलईडी ये ऑन होता है पर एम्पेयर नहीं उठता है। तो इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है, इसलिए पहले इसको खोल दिए हैं और उसके बाद में चेक कराते हैं इसको। तो इसमें डीसी सबसे पहले लगा देंगे, तो डीसी लगा दिए हैं और मल्टीमीटर से अब इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। डीसी रेंज पे मल्टीमीटर सेट कर लिए हैं और यहाँ पे 50-51 वोल्ट के आसपास आ रहा है मल्टीमीटर में, यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। अब इसे एसी सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका एलईडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं सीरीज बल्ब के थ्रू। तो यहाँ पे मेन एलईडी जल गया है, वहाँ पे बल्ब अभी बल्ब ग्लू नहीं हुआ है और यहाँ पे चार्जर एलईडी ग्लू हो गया है, जल गया है, पर अभी इसमें अगर एम्पेयर उठता ये 30% ये शो करने लगा, पर अभी वहाँ पे चार्जर एलईडी जल रहा है, मेन एलईडी जल रहा है लेकिन बल्ब नहीं ग्लू हुआ। क्यों? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लोग चेक कर किए थे 30%, तो इसमें चार्जर एलईडी नहीं जल रही थी। इस पर जो भी दो वीडियो भी बनाए हैं और एक वीडियो लाइव भी बनाए हैं इस पर, तो ये बल्ब है 100 वाट का, तो इसे भी चेक करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे करने पर भी नहीं, कुछ नहीं ले रहा है। सीरीज बल्ब हल्का सा जलता और उसके बाद में वहाँ पे यहाँ पे इसको लगा दिया हूँ और वहाँ पे वो सीरीज बल्ब वो भी एम्पेयर लेता या रिले ऑन होता, तो इसमें ना रिले ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, एक ट्यूजर से चिमटी से इस तरह से चिमटी कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे डीसी रहता है, तो यहाँ पे ट्यूजर से चेक करेंगे यहाँ पे स्पार्क कर रहा है ये और यहाँ पे स्पार्किंग कर रहा है और वो बल्ब यहाँ पे स्पार्क करने पर वो चिमटी से शॉर्ट करने पर वहाँ पे सीरीज बल्ब जल जा रहा है और यहाँ पे हटा ले रहा हूँ, बंद हो गया, यहाँ पे फिर लगा दे रहा हूँ। यानी रिले में प्रॉब्लम है इसके या ड्राई है, इससे रिले का पॉइंट भी ड्राई हो जाता है तब भी इसे प्रॉब्लम करता है, या रिले ख़राब हो जाता है, अंदर से पॉइंट उसके ख़राब हो जाते हैं, स्पार्किंग हो जाता है तब भी ऐसा प्रॉब्लम करता है। ये हटा लिया फिर भी बंद हो गया, तो अब जो है यहाँ पे सिर्फ ये रिले प्रॉब्लम कर रहा है, ये हमारा 3.3 प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि चार्जर एलईडी 12 वोल्ट बन रहा है, स्विचिंग कर रहा है, ट्रांसफार्मर मॉस्फेट स्विचिंग कर रहा है पर रिले ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 139 भी सही है और यहाँ पे एलईडी जल रही है, चार्जर एलईडी जल रही है लेकिन एम्पेयर नहीं उठ रहा है। क्यों? यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बैटरी से, तो इसलिए एम्पेयर नहीं उठ रहा है। और जो लाइव वीडियो बनाए थे तो उसमें कुछ पॉइंट रह गया था, जैसे कि यहाँ पे इसके SG3525 के एक नंबर से और 8 नंबर तक मैं चेक करवा दे रहा हूँ यहाँ से, जैसे फिर भी अभी यहाँ पे माइंस दिए हैं और या तो ऑप्टो कॉपलर शार्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है यहाँ पे ये 8 नंबर
4.86 और 9 नंबर, यहाँ पे ये वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 नंबर पर अभी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और चिमटी से वहाँ पर ये शॉर्ट कर दिए, यहाँ पे आ गया 5 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे चिमटी हटा ले रहा हूँ, ये वोल्टेज यहाँ पर भी चला जा रहा है। तो एक ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं, और इसका सारा वोल्टेज मैं कई वीडियो में चेक करा चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो 9 नंबर पे जब वहाँ पे इस रिले कनेक्ट हो जा रहा है तब आता है। तो ये हो गया, तो हम एक बार यहाँ पे ड्राई सोल्डरिंग या रिले जो भी है इसको हम चेक करके फिर आगे दिखाते हैं कि वीडियो, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे ये रिले का पॉइंट जो है पहले सोल्डरिंग कर देंगे, यहाँ पे ये ड्राई दिख रहा है, तो इसको खूब अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है। यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया हूँ, ये इसका एक पॉइंट ड्राई था, यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया हूँ। अब चेक कर रहा हूँ सीरीज में लगाने के बाद, यहाँ पे डीसी लगाने के बाद जो है एसी सप्लाई दे रहा हूँ सीरीज, यहाँ पे ये सीरीज ब्लॉक धीरे धीरे ये ग्लो हो गया ये। तो इस तरह से काम करना चाहिए इसको, और यहाँ पे प्रॉपर्ली ये चार्जिंग लीड और ये भी जलने लगा, मेंस और चार्जिंग जल रहा था लेकिन एम्पेयर नहीं उठ रहा था इसका। तो अब ये बल्ब्स धीरे धीरे ग्लो हुआ, यानी इसका एम्पेयर भी काम करेगा। आप तो इसे हम डायरेक्ट लगा के चेक कर लेंगे कि एम्पेयर, इसलिए कि भी फ़ैन भी नहीं चलेगा जब तक एम्पेयर प्रॉपर उठेगा नहीं, सीरीज में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो है एक बार डायरेक्ट लगा के वहाँ पे मेंस लगा दिए, अभी फैन नहीं ऑन हुआ, एम्पेयर जब प्रॉपर उठेगा 15 से 20 सेकंड चार्जिंग सिस्टम इसका ऑन होता है। ये रिले गिर गया इसका, यानी रिले ऑन हो गया है और एम्पेयर भी उठने लगा। यहाँ पे एम्पेयर उठ रहा है, ये फैन भी इसका ऑन हो गया और यह चार्जिंग परसेंटेज शो करने लगा, लगभग 80% के आसपास ये शो कर रहा है। तो ये चार्जर हमारा ओके हो गया, इसमें इतना ही प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे ये चेक करना है, अगर 9 नंबर पे नहीं वोल्टेज आ रहा है तो रिले को भी चेक करना है, और 9 नंबर पे इस ट्रैक पे जो भी कंपोनेंट लगे उसको आपको चेक करना है। तो ये चार्जर हो गया ओके।